मैं प्राजक्ता, गरबा महोत्सव 2018 में आपका स्वागत है। सुनल कर बोशी रे हम बेमार, चलो धीरे धीरे। सुनल कर बोशी रे हम बेमार, चलो धीरे धीरे। ओ रुपला कर बोशी रे हम बेमार, चलो धीरे चालो धीरे 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 माँ। सुनल कर बोशी रे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। रुपला कर बोशी रे अम्बे माँ, चालो धीरे केने मटके रासर में छे। जरा लार्ज स्केल पे मनाती थी, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे बहू का ट्रांसफर हो गया और मैं बहुत अकेली पड़ गई, तो अभी थोड़ा सिमट गया है मेरा प्रोग्राम। लेकिन सेवा तो माता रानी की करती हूँ और करती रहूंगी। 9 दिन माता रानी की सेवा करने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ जो अभी खड़ी हूँ ये माता रानी की देन है। मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि मेरे 36 फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था हाथ और पैर दोनों काटना पड़ेगा, नो चांस। लेकिन आज मैं माता रानी की मेहरबानी से यहाँ अपने सेल्फ डिपेंड हूँ। हमारे कई दर्शक हैं जो माता रानी की ऐसे ही 9 दिन सेवा करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि माता रानी माता का रूप है, माँ हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, और यहाँ जितने भी भक्तगण हैं उनके ऊपर भी माँ की कृपा बरसेगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और अपने गाँव के लिए ये कहना चाहती हूँ कि कड़वा भले है नीम, कड़वा भले है नीम, क्या चंदन से कम है मेरा बेसा गांव, क्या लंदन से कम है, क्या लंदन से कम है। खुशी तो बहुत मत मिलती है, मन से मन का सुकून है, और ये सब श्रद्धा है जो मन। क्या क्या इस पूरे 9 दिन में आप क्या क्या करते हैं? 9 दिन में जैसे सुबह पूजा और उपवास रहता है 9 दिन, सुबह शाम पूजा रहती है और जागरण रहता है घर में, और बस हम लोग अपने कॉलोनी में बहुत धूमधाम से, मतलब एक हम एक साल भर से एक चीज के यहाँ रहती है, और दिल से मतलब सब लेडीज का बहुत कोऑपरेशन है हमारे कॉलोनी में रमेश स्टेट में, और सब मिलकर मिलजुल कर नवरात्रि में पूरे 9 दिन यहाँ पे अपना ये सेवा करते हैं। हाँ, मैं क्लास भी लेती हूँ लेडीज लोगों की, अभी हमारे यहाँ गोगली में चलता है पूरा 9 दिन, और मैं सिखाती भी हूँ, और वहाँ पे 9 दिन गरबा भी चलता है हमारा, बहुत अच्छा होता है सब, और सब लेडीज बहुत अच्छा करती है। जिस जोश से आप लोग गरबा करते हैं, गरबा करने के बाद आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगता है, जो थकान रहती है वो सब निकल जाती है, ऐसा लगता नहीं है कि हम यानी 2-3 घंटे भी करते फिर भी ऐसा लगता नहीं कि हम थक चुके हैं, और एनर्जी आ जाती है वो करने से, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा तो हमको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी 9 दिन बहुत खुशियाँ रहती है और हम बहुत एंजॉय करते हैं, और उनकी पूजा भजन ये सब हमारा चलता ही रहता, हमको 9 दिन कैसे जाते हैं वो हमको पता ही नहीं चलता। कौन से प्रकार के आप प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं आपके मंदिर में? अभी तो हम सुबह है ना माँ की पूजा वगैरह, और क्या बोलते हैं आरती, फिर भजन वजन करते हैं, फिर बाद में डांडिया,
उनकी फिर रात को पूजा वगैरह आरती वगैरह सब करके हम दिन भर मुझे उसी इसमें खुश रहते हैं। हाँ, और भाभी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, ये हमारी भाभी है परिहार, कविता परिहार, उनका उनके है ना जो भी हम तारीफ करें बहुत कम है, मेरे लिए तो बहुत कम है। हम सुबह आके आरती करते हैं, फिर दिन भर रात है ना, शाम की आरती होने के बाद भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, फिर भजन संध्या होने के बाद डांडिया करते हैं, फिर ऐसा हमारा कार्यक्रम चलता है। और हमारा भजन संध्या जो है वो हमारी टीम है, परिहार मैडम ने हमको आगे बढ़ाया है, और जैसे डांडिया वगैरह जो कार्यक्रम है उन्होंने हमको सहयोग किया है, इनके सहयोग से हम आगे जा चुके हैं, इनके आशीर्वाद से, जैसे माता रानी की कृपा है जैसे उनकी कृपा हमारे ऊपर है। परिहार जी के बारे में बोलना चाहती हूँ, मैं इनको ज्यादा जानती थी, अभी दो ही महीने से यानी पहचान हुई मेरी है, काफी दिनों से पता, लेकिन दो ही महीने से पहचान रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो, मैं अभी दो महीने से ही जान रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराने हैं और अपने घर के सदस्य ऐसे लगता है, और जैसे बुलाओ तो घर में आते, बिल्कुल फैमिली लगता है, लगता ही नहीं कि ये कोई पराए हैं। और मैंने फोन करके उनको बोला, आंटी आपके यहाँ गरबा है, तो उन्होंने झट से बोले हाँ है गरबा, तू भी आ जा, जल्दी से, ऐसे लगा ही नहीं कि ऐसे पराए जैसे लगाए, नहीं एकदम से अपने जैसे लगे, बहुत अच्छा लगता है, स्वभाव बहुत ही अच्छा। धन्यवाद दिया, आप लोग आए, आप लोगों का सहयोग मिला, इससे आशीर्वाद है, माता रानी का ये बना है, थैंक यू।